आज 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व को देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पंचकुला में हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पंचकुला में नाड़ा साहिब में शिरकत की। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक कर सुख शांति की अरदास की और सभी सिख समुदाय को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम के तहत बनी 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और HSGMC के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बहुत ही आज ये प्रसन्नता का विषय है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस है, जयंती दिवस है। इस अवसर पर, गुरुपुरब के अवसर पर हरियाणा में सब मोबाइल नीचे कर लो भी नहीं विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर जैसा आप जानते हैं कपाल मोचन जो तीर्थ होता है उस तीर्थ के साथ क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं, लाखों लोग स्नान करने आते हैं। पीछे नीचे करूंगा फोन। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाड़ा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाड़ा साहब आकर के और गुरुपुरब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता के कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए ये 7 योजना जो देश भर में चलाई गई है 30 स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ जो पार्किंग का मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023 37 नवंबर मल्टी लेवल पार्किंग आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको सर आपने कल एक एजुकेशन देने की स्कीम है बड़ी घोषणा थी हरियाणा में पहली बार। देखिए जो गरीब परिवार है हमारी बेटियाँ कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के जो डिग्री कॉलेज के हैं उनमें ऐसे गरीब परिवार की 1,80,000 रुपये तक की जो इनकम के परिवार हैं उनको बेटियों को सरकारी कॉलेजेस में तो उनको शिक्षा पहले से मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको जो सामान्य कॉलेज हैं जो खास करके इलीट भी कॉलेज हैं या जहां इस प्रकार की फीस जो चार्ज करते हैं लोग उसको माफ़ किया जाएगा, उसको सरकार जो है उनकी भरपाई करेगी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज को उन प्राइवेट कॉलेज को हम देंगे, बशर्ते कि प्राइवेट कॉलेज आगे आए और उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, सरकार उसकी फीस की लिए बस फंड करेगी। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक के जो परिवार हैं उनकी 50% फीस वो ये बस की जाएगी। सर गुरु नानक देव जी ने लोगों को कुछ ऐसी शिक्षाएं दी थी जो सही राह पर चलने का मार्ग बताती है, आप भी लगातार प्रदेशवासियों को सही राह पर चलने के लिए चाहे दशा मुक्त अभियान हो तरह की कई। गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में थोड़े से समय में व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे उन्होंने हमेशा जनता को कहा बाण छपो कीर्त करो और बाण छपो कीर्त करो, तो इस नाते से एक ठीक मार्ग पर चलने के लिए और उन्होंने हमेशा ये कहा है। और उन्होंने कभी समाज विशेष के बारे में नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबका भला होना चाहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वता भला, उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं सारे समाज के सर्वत के भले के लिए उन्होंने हमेशा कामना की है और हमेशा बुराइयों से बचने के लिए भी उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की तरफ अपना लगन लगाएंगे तो जो बुराइयां हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान करने से हर चीज़ नशे के भी बहुत विरोध भी उन्होंने काम किया, तो इन सब चीज़ों से जो उस समय जनता प्रभावित हुई थी हमारी कोशिश है कि उनकी शिक्षाओं को आज भी उतनी तरह से फैलाया जाए, उसको काम किया जाए। हरियाणा सरकार भी इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योजना अध्यक्ष बैठे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।